हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ये आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो हम देखिए दोस्तों, पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर दिए। आप लोग भी पिक्सआर्ट ऐप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये डायग्राम उसको स्क्रैप कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, इस प्लस वाला पर क्लिक करना है। प्लस वाला पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देखते हैं, हम बैकग्राउंड ओपन कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसको हम ऊपर करेंगे, इसके बाद एड फोटो पर क्लिक करेंगे। एड फोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हम इसमें फोटो एड कर लेते हैं। सो फ्रेंड, देखिए जैसे कि हम फोटो इसमें ऐड कर लिए। इसके बाद दोस्तों, आप लोग फोटो को बैकग्राउंड इरेज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो दोस्तों देखिए, हम क्रॉपर करके इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा सेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों, हमको फोटो को जूम कर लें और जूम करके इसको दोस्तों, ये वाला फोटो को भी जूम कर लीजिएगा, आप अपना वाला फोटो को। इसके बाद दोस्तों, ये जो इसका है ना, इसको आप कम कर लीजिएगा। और इसका जो आँख है ना दोस्तों, इससे आप मिला करके वहाँ पर सेट कर दीजिएगा थोड़ा सा, और ये फोटो जूम होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम कर दें। तो दोस्तों, ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड देखिए, हम कर दिए। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करेंगे। इरेजर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमको इसको इरेज कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको इरेज कर दिए। इसके बाद दोस्तों, इसका ओपेसिटी और बढ़ा करके हमको फिर से इसको इरेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम फिर से इसको इरेजर पर क्लिक करके फिर से हम इसको इरेज कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम फिर से इरेज कर दिया। और दोस्तों, ये मेरा फोटो इरेज हो गया। इसके बाद दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, इसको आप लोग आज बहुत अच्छा से दोस्तों इसको इरेज कर लीजिएगा, ताकि आपको फोटो पता ना चले कि किसी दूसरा फोटो में लगाए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम इरेज कर भी दिया और दोस्तों, ये मेरा फोटो हो भी गया। इसके बाद दोस्तों, हमें इसको यहाँ पर इसको डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रॉ टूल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, ड्रॉ टूल पर हम क्लिक किए, और ड्रॉ टूल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, बर्फ पर क्लिक करना है। और इसका साइज आप देख लीजिएगा कैसा रहेगा, और इसको भी दोस्तों आप लोग अच्छा से कम कर दीजिएगा। और कम करने के बाद दोस्तों, ये ब्लैक रहेगा। तो यहाँ पर ले जाकर हमको दोस्तों, इसको अच्छा से यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और ये करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि उसके बाद दोस्तों से कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों, हमको फिर से एड फोटो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, हम एड फोटो पर क्लिक किए दोस्तों, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इस पीएनजी को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फ्रेंड देखिए, हम सेम पीएनजी लिए हैं, इसको आपको जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद दोस्तों, इसको आप अच्छा से जूम कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको जूम कर लिए हैं, और इसके बाद इसको दोस्तों, यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों, ये मेरा फोटो एडिट हो गया। इसके बाद दोस्तों, हमको यहाँ पर डॉट पर फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और सेव टू इमेज कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा इमेज सेव हो गया। इसको हम लाइटरूम में ओपन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग लाइटरूम ऐप ओपन कर लीजिए। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लाइटरूम ऐप ओपन कर लिए हैं। और लाइटरूम ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों, देखिए, हम वो वाला फोटो भी ओपन कर लिए। इसके बाद दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, हमको क्या करना है, इस ब्रश पर क्लिक करना है, और फोटो को दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इस फोटो पर देखिए, इस प्लस पर क्लिक कीजिएगा, और ब्रश पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, ये देखिए, अपना फेस पर ये कलर कर देते। इसके बाद दोस्तों, हम इसका बैकग्राउंड को मैच करना है अपना फेस से। देखिए, सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम मैचिंग कर दिए। इसके बाद दोस्तों, हमको इस पर क्लिक करना है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, और इसको थोड़ा सा दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा कलर मैचिंग हो गया। इसके बाद ये दोस्तों, हमको कुछ नहीं करना है, और डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों,
सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा। दोस्तों ये देखिए मेरा फोटो एडिटिंग हो गया है, तो दोस्तों आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा फोटो एडिटिंग कैसा है। दोस्तों अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ये जो ग्रीन कलर का लाइक का बटन दबा रहे हैं इसको जितना दबाना है उतना दबाइए दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।